हाँ देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट फिल्म है ये। हमने ये देखा कि जो लाइन सब ओरिजिन से पास होती है, ओरिजिन से पास होती है, उसमें एक बात बताओ, उसमें लाइन में जनरली क्या होता है, तीन टर्म रहते हैं, एक्स का टर्म, वाई का टर्म और कॉन्स्टेंट टर्म। लेकिन जो लाइन ओरिजिन से जाती है उसमें कॉन्स्टेंट टर्म नहीं रहता, उसमें दो ही टर्म रहते हैं। ऐसे अगर टू लाइन्स है पासिंग थ्रू द ओरिजिन, अब वो दोनों लाइन अलग अलग है ना, इसलिए नंबर अलग अलग लेने पड़ेंगे। तो ये पासिंग थ्रू द ओरिजिन क्योंकि सेपरेट लाइन है। और अगर मैंने इनको ऐसे प्रोडक्ट में लिखा, ऐसे लिखा प्रोडक्ट में, तो ये क्या हो गई, क्या हो जाएगी, कंबाइंड इक्वेशन हो गया। ये सेपरेट है और ये कंबाइंड। जब भी आपको दो लाइन ऐसी ब्रैकेट में मल्टीप्लाई में दिख गई, ब्रैकेट मल्टीप्लाई में दिख गया, उसमें एक्स वाई दिख गया, एक्स बोलो या वाई बोलो, ठीक है, समझ जाना कि ये दोनों लाइन्स है, दोनों लाइन्स। अब दोनों लाइन है कैसी वो डिपेंड करता है। जैसे ये एक इक्वेशन, जैसे ये 3x प्लस 5y और ये आगे 2x माइनस y, ये उसके बाद x प्लस 7y प्लस 2, 3x प्लस y इक्वल टू 0, यहाँ पे x माइनस y प्लस 7, यहाँ पे x प्लस 2y प्लस 11 इक्वल टू 0। जब आपको दो लाइंस मल्टीप्लाई में दिखती है, दो ब्रैकेट में, समझ जाना वो कंबाइंड इक्वेशन। ये क्या है, इन दोनों कंबाइंड इक्वेशन ऑफ टू लाइंस पासिंग थ्रू द आसोल्यूशन, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ टू लाइंस इतना ही बोलना, यानी जॉइंट इक्वेशन ऑफ टू लाइंस। अब वो लाइंस है कैसी वो तो देखने पर पता चलेगा। ये दोनों लाइन कैसी है पासिंग थ्रू द ओरिजिन, क्योंकि इनमें कॉन्स्टेंट टर्म नहीं है। ये लाइन में कॉन्स्टेंट टर्म है, ये ओरिजिन से नहीं जा रही है, और इसमें कॉन्स्टेंट टर्म नहीं है, ये ओरिजिन से जा रही है। यानी ये दोनों लाइन में एक ओरिजिन से जाने वाली है और एक ना जाने वाली है, और ये दोनों ओरिजिन से नहीं जाती है। हाँ, ये दोनों ओरिजिन से जाती है, तो इसको क्या बोलेंगे, है सभी कंबाइंड इक्वेशन, है सभी जॉइंट इक्वेशन, एक बोलते हैं कंबाइंड में। तो क्या ये कंबाइंड इक्वेशन ऑफ टू लाइन्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ टू लाइन्स नॉट पासिंग थ्रू द ओरिजिन, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ टू लाइन्स, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ टू लाइन्स, वन इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड वन इज नॉट पासिंग, ठीक है ना। तो ये सभी है लेकिन कंबाइंड इक्वेशन लाइन्स के। अब वो लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन रहे या ना रहे, है तो कंबाइंड इक्वेशन, बस मल्टीप्लाई में रहना चाहिए, ठीक है। अब हम क्या पढ़े थे, हम स्पेशली पढ़े कौन सा, कि अगर लाइन दोनों ओरिजिन से जाने वाली है, अगर दोनों लाइन कैसी है ओरिजिन से जाने वाली, तो उनको सॉल्व करने पर, यानी ये देखो ये ना, तो उनको सॉल्व करने पर वो ऐसी बनती है। सॉल्व करने के बाद यानी ये जूस मिक्स करने के बाद पूरा मिक्स हो गया मल्टीप्लाई, तो फिर वो ऐसा बन जाता है, यानी कैसा, एक्स का पावर टू बन जाता है, एक्स इंटू वाई एक्स वाई आ जाता है, वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर आ जाता है। यानी ये फाइनली क्या बनता है, होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री टू बन जाता है। क्या बन जाता है, होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री टू कब बनता है, अगर लाइन्स कैसी रही दोनों, दोनों कैसी रही पासिंग थ्रू द ओरिजिन, यानी दोनों पासिंग थ्रू द ओरिजिन है तो ही होमोजीनियस बनेगा सेकंड डिग्री का। और यही अपना थ्योरम था सेकंड थ्योरम। कल का थ्योरम क्या था, कि अगर दोनों इक्वेशन लाइन के पासिंग थ्रू द ओरिजिन है तो उसका होमोजीनियस बनेगा, यानी कौन सा, सेकंड डिग्री वाला होमोजीनियस बनेगा। देखो एग्जांपल, ये एक लाइन है, एक लाइन प्रैक्टिकली करके देखो, पासिंग थ्रू द ओरिजिन है, ठीक है, क्योंकि कॉन्स्टेंट टर्म ऑब्सेंट है, यानी पासिंग थ्रू द ओरिजिन। प्रैक्टिकली मल्टीप्लाई करो, ये होगा 6x, ये होगा 3y और ये 10xy, तो कितना होगा 7xy और y इंटू y 5y2। अगर आप दोनों ब्रैकेट को डिटेल में मल्टीप्लाई किया तो फाइनली ये आंसर आएगा। अब आप बताओ बन गया ना होमोजीनियस सेकंड डिग्री का, पावर टू पावर टू पावर टू, यानी अगर लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन है दोनों, गारंटी वो होमोजीनियस बनेगा सेकंड डिग्री का, ठीक है। ये कल का थ्योरम था, आज हमें उल्टा पढ़ना, उल्टा है ये, उल्टा है देखो, उल्टा है होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री टू इन एक्स एंड, यानी आपको क्या दिया है, होमोजीनियस इक्वेशन दिया है, ये है होमोजीनियस इक्वेशन डिग्री टू का, बराबर है ना, ठीक है। अब वो क्या बोल रहे हैं, ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करता है, बोल रहे हैं पता क्या रिप्रेजेंट करता है, होमोजीनियस सेकंड डिग्री का रिप्रेजेंट करता है, क्या पेयर ऑफ लाइन्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन, यानी इसका मतलब ये इक्वेशन में दो लाइन है बोलते पासिंग थ्रू द ओरिजिन,
अब एक बात बताओ, जब वो लाइंस ऐसी थी तो पता चलता है कि लाइंस है भी दोनों पासिंग थ्रू ओरिजिन है क्योंकि क्लियरली दिखता है कॉन्स्टेंट। जब वो मिक्स हो जाती है तो पता नहीं चलता, बस इतना दिखता है कि होमोजीनियस है। क्या दिखता है? होमोजीनियस सेकंड डिग्री का। लेकिन हमें तो पता है कि ये होमोजीनियस सेकंड डिग्री का बना, इसी से बना, यानी वो दोनों लाइन से ही बना हुआ है। अभी आपके आमने सामने वाली बात है इसमें भी इधर, लेकिन अगर किसी को ये नहीं पता होता, यानी इसका मतलब इसमें दो लाइन है, आपको पता है, हमें पता है इसके अंदर दो लाइन है, कौन सी? पासिंग थ्रू द ओरिजिनल। लेकिन अगर सब कुछ मिटा दिया और किसी के सामने डायरेक्ट इक्वेशन को रख दिया और वो उसको बोला, वो सब कुछ मिटा दिया और उसके सामने सिर्फ इक्वेशन रखा और उसको बताया कि ये होमोजीनियस सेकंड डिग्री का, वो भी बोलेगा हाँ सेकंड डिग्री का है। बता ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करता है, यानी इसके अंदर क्या छुपा हुआ है? तो उसको अगर नॉलेज नहीं होगा तो वो क्या बोलेगा, इसके अंदर क्या छुपा है, बता किससे बना, वो नहीं बता पाएगा। क्योंकि उसको डायरेक्ट क्या दिख रहा है, सेकंड डिग्री पावर टू, पावर टू होमोजीनियस सेकंड डिग्री का है सर, ठीक है। लेकिन हम पूछ रहे हैं कि ये क्या रिप्रेजेंट करता है, सर्कल दो लाइन, वो भी दो लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, या इलिप्स, हाइपरबोला, रेक्टेंगल, स्क्वायर, है ना, कितनी सारी फिगर है ज्योमेट्री में, कितनी सारी फिगर है, बताओ ये क्या रिप्रेजेंट करता है, वो नहीं बता पाए। लेकिन हम सबको पता है कि ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये किससे बना, ये किससे बना, दो लाइन से, वो भी दो लाइन कौन सी, ऐसी वैसी नहीं, ओरिजिन से जाने वाली। तो ये हमें प्रूव करके बताना है, ये प्रूव करके बताना है कि होमोजीनियस इक्वेशन सेकंड डिग्री का क्या रिप्रेजेंट करता है, टू लाइंस, इसके वो भी टू लाइंस कौन सी, पासिंग थ्रू द ओरिजिन, यानी नंबर अलग अलग रहेंगे, जो भी रहेंगे वो नंबर इसके साथ कॉन्स्टेंट टर्म ले रहे हैं। अब ये प्रूव करके बताना है आप कैसे, पहला वाला पार्ट इजी था, अरे कल का थ्योरम इजी था, कैसे दो लाइंस दी थी पासिंग थ्रू द ओरिजिन, हाँ कंबाइंड इक्वेशन किया, मल्टीप्लाई किया, अपने आप होमोजीनियस बन गया। अब उल्टा है, यानी ये बात तो ऐसी हो गई कि जैसे आपको ये मैंगो और ये एप्पल दिख रहा है दोनों जूस के इसमें दिख रहे, तो अभी इसका जूस बनने वाला है, अब पता है किसका जूस बनने वाला है, मैंगो और एप्पल का, ठीक है। अभी आप बता सकते हो क्योंकि स्लाइसेस अलग अलग है, जैसे मशीन चालू कर दी घुमाना, यानी आपने मल्टीप्लाई करना चालू कर दिया, फाइनल जूस बन गया ये वाला, है ना। तो आपके सामने सब कुछ बना तो आप बताओगे कि ये किसका है, मैंगो और एप्पल का। लेकिन अगर आपके सामने नहीं बना, डायरेक्ट बना के दे दिया, बता इसमें कौन से दोनों को अलग कर, अब बताओ उसमें से एप्पल को अलग और मैंगो को अलग करना है, वो काम इतना भी इजी है क्या? नहीं। इसीलिए ये वाला थ्योरम थोड़ा बड़ा है। कौन सा थ्योरम? कि होमोजीनियस इक्वेशन सेकंड डिग्री का क्या रिप्रेजेंट करता है, टू लाइंस और ओरिजिन से जाने वाली, ये शो करने वाला थ्योरम बड़ा थ्योरम है ना। क्यों बड़ा थ्योरम है? क्योंकि उसको अलग अलग करना है ना, उसकी दो लाइंस जो उसके अंदर मिक्स हो गई है उनको छाट के अलग करना है, ये काम तो मुश्किल हो गया ना, मुश्किल है ना, मुश्किल नहीं लेकिन समय लगने वाला है, ठीक है ना, और चैलेंजिंग है, इजी है लेकिन, क्योंकि इसमें जितने भी कंसेप्ट आने वाले हैं वो सब मैं आपको बेसिक में पढ़ा चुका हूँ। इसलिए मैं हमेशा ये बेसिक क्यों पढ़ाया इतना, क्योंकि आप जब एक्चुअली 12th मैथ्स पढ़ो तो आपको परेशानी ना जाए, ठीक है ना। इसलिए और बस मेरा इतना कहना था कि आप रिवाइज करते जाओ बेसिक को तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो ठीक है। तो अभी हमें ये काम करना, अभी एक बात बताओ, होमोजीनियस इक्वेशन डिग्री टू का है, ये रिप्रेजेंट करता है, मतलब टू लाइन से शो करो, कैसे शो करें? अब उन्होंने तो हमें होमोजीनियस इक्वेशन दे दिया, अब होमोजीनियस इक्वेशन ऐसा ही रहता है ऐसा जरूरी नहीं है, यानी डिग्री टू वाले तीन तीन टर्म का रहेगा ऐसा नहीं है। एक बात बताओ, अगर मैंने इसमें ये ए एच बी ए नंबर से, ए एच बी क्या है, नंबर है, एक्स वाई वेरिएबल है। अब बात बताओ ये होमोजीनियस है सेकंड डिग्री का पावर टू टू टू, अगर मैंने बी की वैल्यू जीरो ले ली, ये नंबर जीरो भी हो सकता है, तो बताओ ये टर्म तो कट हो जाएगा, तो बचे कितने दो बताओ, अब भी ये होमोजीनियस है कि नहीं, वो भी सेकंड डिग्री का है पावर टू पावर। अगर मैंने ए को जीरो लिया, ए को जीरो लिया, ए नंबर है ना, वो भी जीरो हो सकता है, तो फिर ये बचे बताओ ये भी होमोजीनियस है कि नहीं सेकंड डिग्री का। अगर मैंने एच को जीरो लिया,
इसको जीरो लिया, ये एच टू ये पूरा चला जाएगा, बताओ ये भी होमोजीनियस है। यानी होमोजीनियस क्या आपके ये हो गया, इसके छोटे छोटे भी है। फॉर एग्जाम्पल क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ए बी सी ये नंबर है। अब बताओ अगर सी की वैल्यू जीरो हो गई तो ये भी तो क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक के लिए स्पेशली क्या होना जरूरी है, एक्स का स्क्वायर, तो वो नंबर गया तो भी तो क्वाड्रेटिक है, ठीक है ना। अगर बताओ बी की वैल्यू जीरो हुई तो बी की वैल्यू जीरो हुई तो भी तो क्वाड्रेटिक है जी, ठीक है ना। तो क्वाड्रेटिक तीन तीन हुए ना, एक बड़ा वाला और ये दो छोटे वाला, अब इसको गायब मत करना, ए को जीरो मत करना, क्योंकि ए को अगर तुमने जीरो कर दिया अब ये क्वाड्रेटिक नहीं रहा। इसका मतलब ए कभी भी जीरो लेते नहीं है, बाकी कोई भी जीरो लेने चलेगा। तो जैसे क्वाड्रेटिक तीन तीन है, होमोजीनियस सेकंड डिग्री वाले इतने सारे हैं। अब बताओ एक बात, अगर दो दो जीरो हो गए तो, एच और बी जीरो हो गया तो भी होमोजीनियस है, ए और बी जीरो हो गया तो भी होमोजीनियस है, क्योंकि डिग्री टू तो हर जगह आ रही है, डिग्री टू यानी सिंगल टर्म भी रहा तो भी होमोजीनियस है, यानी कितने सारे होमोजीनियस है। और एक बार उनका थ्योरम क्या है, हर होमोजीनियस इक्वेशन डिग्री टू का, यानी कोई भी डिग्री टू का होमोजीनियस इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करता है, बोलते टू लाइन्स। अब ये हर एक इक्वेशन टू लाइन्स रिप्रेजेंट करता है, बताओ अभी हर इक्वेशन टू लाइन्स रिप्रेजेंट करता है, कैसे होता है। इनमें से ये वाला बहुत ईजी है बताना, ये वाले दोनों बहुत ईजी है बताना कि ये दो लाइन रिप्रेजेंट करते हैं। सर कैसे क्या, एक एग्जाम्पल बता दो आप लाइन्स का। मैंने क्या बताया था आपको कि अगर आपको कभी भी ये ऐसा कुछ दिखे, यानी दो ब्रैकेट मल्टीप्लाई है और उसमें अगर एक्स वाई हो, यानी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर नहीं, वो दोनों ब्रैकेट में एक्स वाई चाहिए, तो समझना कि ये जॉइंट इक्वेशन है लाइन्स का। यही तो हम पढ़े पहले वही पढ़े, इसलिए पहला वाला जितना वो सब याद होना चाहिए आपका रे भाई, कि यही तो पढ़े कि जब जब दो ब्रैकेट दिखते हैं और दोनों ब्रैकेट में क्या दिखता है, एक्स वाई का पावर वन वन, समझना कि दोनों लाइन का है जॉइंट इक्वेशन। क्योंकि जॉइंट इक्वेशन किसको बोलते हैं, प्रोडक्ट को, ये प्रोडक्ट है ना, जब भी दो ब्रैकेट प्रोडक्ट में दिखे तो समझ जाना जॉइंट इक्वेशन। यही तो पहला थ्योरम था, पहला थ्योरम क्या था कि जॉइंट इक्वेशन कैसा रहता है, यू इन टू वी इक्वल टू जीरो, यू वी इक्वल टू जीरो। तो जब भी आपको ऐसा दिखेगा, बताओ अगर आपको ऐसा भी दिखा ना तो भी जॉइंट इक्वेशन, कैसे, अरे बताओ ये टर्म और ये टर्म प्रोडक्ट में है ना। और एक बात बताओ, प्रोडक्ट में और हर जगह वहां पे एक्स और वाई का पावर वन चाहिए, बताओ यहाँ पे एक्स का पावर वन है, यहाँ पे एक्स वाई का पावर वन है, तो ये दोनों लाइन है ना। जैसे यहाँ पे दो लाइन, बताओ पहली लाइन कौन सी, ये थ्री एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो, दूसरी लाइन कौन सी, एक्स प्लस फाइव वाई इक्वल टू जीरो। और करके लिखते ना, जब दो ब्रैकेट मल्टीप्लाई करते हैं जीरो तो आप क्या बोलते हो, या तो फर्स्ट ब्रैकेट जीरो या फिर सेकंड ब्रैकेट जीरो, बताओ ये लाइन का इक्वेशन है, थ्री एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो, क्योंकि एक्स और वाई का पावर कितना है वन, तो लाइन। अगर इसमें ऐसा कुछ आ जाता एक्स स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर तो फिर ये लाइन का इक्वेशन नहीं रहा, ये एक्स स्क्वायर आ गया ना, ये लाइन का इक्वेशन, ये भली लाइन है लेकिन ये नहीं। तो इसलिए नहीं क्या, दोनों जगह ब्रैकेट में एक्स वाई चाहिए, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स क्यूब कुछ नहीं चाहिए, तब ये लाइन की इक्वेशन, ठीक है। अब बताओ ये वाला देखो, प्रोडक्ट है ना, तो प्रोडक्ट को हम कैसे लिख सकते हैं, तो फर्स्ट टर्म जीरो या फिर सेकंड टर्म जीरो, ये तो अपना रूल है, जब भी प्रोडक्ट जीरो रहता है तो क्या बोला जाता है, तो फर्स्ट टर्म को जीरो या फिर सेकंड टर्म को जीरो, बताओ ये लाइन का इक्वेशन। लाइन की इक्वेशन को कैसे पहचानते, इस चैप्टर में वही पहले पढ़ाया था कि एक्स और वाई का पावर जब भी वन दिखेगा समझना लाइन का इक्वेशन, ये लाइन का इक्वेशन है और ये से जाने वाले, ये भी लाइन का इक्वेशन है। कौन सी लाइन है बताएगा, ये एक्स इक्वल टू जीरो, ये कौन सी लाइन है, अरे ये वाई एक्सिस है, एक्स इक्वल टू जीरो किसका इक्वेशन था, वाई एक्सिस का, ये वाई एक्सिस ये लाइन है ना, अरे वाई एक्सिस क्या है, लाइन है ना, असिंग थ्रू द, ये वाई एक्सिस क्या है बता, ये वाई एक्सिस क्या लाइन नहीं है, कहाँ से जाती है वाई एक्सिस की लाइन, और ये इसका इक्वेशन क्या है, एक्स इक्वल टू जीरो, तो बताओ ये भी लाइन है वो भी लाइन, और दोनों कहाँ से जाने वाली, पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो बताओ जब भी आपको ऐसा प्रोडक्ट में दिखे समझ जाना कंबाइंड इक्वेशन है लाइंस का, ठीक है। अब आप बताओ ये सब होमोजीनियस है डिग्री टू वाले, अब हमें क्या रिप्रेजेंट शो करना है, रिप्रेजेंट करते लाइंस। अब देखो ये होमोजीनियस है डिग्री टू, ठीक है, डिग्री टू होमोजीनियस, इसमें से काम कर दो वाई कॉमन निकल, वाई कॉमन निकला तो बताओ क्या बचा, y निकला तो 2h x, y निकला तो क्या बचा, dy बचा ना,
बताओ आपको प्रोडक्ट दिख रहा है और प्रोडक्ट दिख रहा है ये और ये, जब भी प्रोडक्ट जीरो होता है इसका मतलब क्या होता है, या तो फर्स्ट टर्म जीरो या फिर सेकंड टर्म जीरो। बताइए लाइन की इक्वेशन है, एक्स और वाई है, और एक्स और वाई है लाइन का इक्वेशन, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर नहीं, एक्स वाई चाहिए, ये एक्स वाई है, वाई है लाइन का इक्वेशन, ये एक्स एक्सिस का है और ये ऐसे ही लाइन कोई तो भी, लेकिन बताओ दोनों लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन है। तो सबसे पहले बताओ ये इसी से तैयार हुई ना, ये क्या है, होमोजीनियस सेकंड डिग्री वाला, उससे क्या बना के बताया हमने, टू लाइन्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो बताओ होमोजीनियस इक्वेशन सेकंड डिग्री का क्या रिप्रेजेंट करता है, टू लाइन्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन कर रहा है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ा, कॉमन निकालना पड़ेगा, कुछ तो भी तो करना पड़ेगा, वो क्या करेगा, वाई कॉमन निकाला, जैसे ही आपको प्रोडक्ट दिखाना तब भी तुरंत लिख देना दिस इज द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ टू लाइन्स, दिस इज द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ कौन सी लाइन, ये वाली बताओ, ये भी दो महीने सेकंड डिग्री का है, ये भी इजी है, एक्स कॉमन निकाल क्या होगा, ए एक्स प्लस टू एच वाई। अब बताओ जैसे प्रोडक्ट में आ गए, इसमें आ गए प्रोडक्ट में, हो गई कंबाइंड इक्वेशन, और प्रोडक्ट आने के बाद एक बार देखना दोनों में एक्स वाई है कि नहीं, एक्स वाई है ना, एक्स वाई का पावर वन वन, ये भी एक्स का पावर वन है, हो गया प्रोडक्ट आ गया ना, हो गया ना, ये दोनों लाइन हो गया, ये रिप्रेजेंट करता है, क्या रिप्रेजेंट करता है, टू लाइन्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन। फिर सर यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगेगा, इसको माइनस रहेगा, जनरली मेरे माइनस फॉर्म में आता है, फिर कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए वाई, फिर वो एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई आता है, हो गया। ये तो ईजी है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो है, ठीक है ना, ये एक्स वाई इक्वल टू जीरो है, क्या होगा एक्स इक्वल टू जीरो या वाई इक्वल टू जीरो, तो ऐसे सब है, लेकिन इतने सारे करके बताने पड़ेंगे क्या। हाँ सर एक बात बताओ, ठीक है सब तो ईजी है क्योंकि कॉमन निकाले हो गए, एक्स कॉमन निकालो हो गया आंसर आ गया, ये भी सर इससे क्या कॉमन निकालो, इससे कुछ भी कॉमन निकलता नहीं है, ये भी तो बताना है ना, टू लाइन सिमुलेशन करता है, ये तो सबसे बड़ा बॉस हो गया, छोटे छोटे को तो तुमने जल्दी बताया, ये छोटे होमोजीनियस है सेकंड डिग्री वाले, आपने जल्दी उनको शो करके बताया लाइंस वाले करके, इसको भी लाइंस वाला है कैसे शो करो, आपका टारगेट क्या फाइनल है, होमोजीनियस सेकंड डिग्री वाले को जो प्लस माइनस में रहता है आप उसको कन्वर्ट करते हो प्रोडक्ट में, और प्रोडक्ट में करने के बाद हमें पता चलता है कि ये दोनों लाइंस है, तो ये प्रूफ हो जाता है कि होमोजीनियस है सेकंड डिग्री का रिप्रेजेंट करता है टू लाइंस। तो आपने कैसे प्रोसेस कौन सी अप्लाई की, प्लस माइनस वाले को प्रोडक्ट में एक्सप्रेस करना, तो वैसे आपको इसको भी क्या करना पड़ेगा, है प्लस माइनस में होमोजीनियस सेकंड डिग्री का, लेकिन ऐसी कुछ टेक्निक अप्लाई करनी पड़ेगी कि ये कन्वर्ट हो जाना चाहिए इसमें प्रोडक्ट में, और प्रोडक्ट में भी ऐसा कि दोनों में क्या है एक्स और वाई, यानी एक्स का भी पावर वन और वाई का भी पावर, जब आपको ऐसा ब्रैकेट दिखेगा साथ में नंबर आएंगे ए बी एच वगैरह जो भी नंबर आना है, बताओ ऐसा दिखेगा तो आप क्या बोलेंगे, अरे ये तो टू लाइन्स का जॉइंट इक्वेशन है, ये तो टू लाइन है, ये भी लाइन है और ये भी लाइन है, और दोनों लाइन का क्या प्रोडक्ट है, नहीं जॉइंट इक्वेशन हो गया, क्या किया हमने होमोजेनियस इक्वेशन सेकंड डिग्री का क्या रिप्रेजेंट करता है, टू लाइन्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन, यही होता है। लेकिन ये करना कैसे, वही तो सब बताना पड़ेगा ना, अभी हमें थ्योरम में सब करके बताना पड़ेगा पूरा डिटेल में, ये कैसे आएंगे लाने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी, दूसरे बाकी के इजी थे। तो देखो हम इतने सारे नहीं करेंगे, हम सिलेक्टेड दो को बताएंगे कैसे, एक पूरा होलसेल वाला और एक छोटा वाला। छोटा वाले में क्या करेंगे, हम एक बार लेंगे बी की वैल्यू जीरो ले लेंगे, बी की वैल्यू जीरो ले लेंगे तो ये बन जाएंगे छोटा। हाँ उसके बाद बी की जीरो नहीं लेंगे, यानी एक बार बी इक्वल टू जीरो लेंगे और एक बार बी इक्वल टू जीरो नहीं लेंगे, और ऐसे दो केस में इसको सॉल्व करके बताएंगे, ठीक है इस तरह से।